ड्राइवेंट के जो महलात हैं उनके बाहर जाके वहाँ धरना देंगे। उस दिन इनकी सियासत का जनाजा निकल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोल अपने लिए में खुश आमदेद। नाज़रीन, स्टूडियोज़ के अंदर मुख्तलिफ तजियाकारों से या सियासतदानों से पनामा लीक्स के हवाले से जो रेवलेशंस, जो इंकशाफात सामने आए हैं, उस पर आप तजिया भी सुन रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों का जो मौक़िफ है वो भी आप मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, हमारे चैनल पर भी जो है, हमारे प्रोग्राम में भी आप पहले सुन चुके हैं। तो एक दफ़ा फिर बोल अपने लिए ने ये कोशिश की कि ये तमाम चीज़ें तजियाकारों तक नहीं रहनी चाहिए, सियासी पार्टी तक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि असल मसला आवाम का है। इससे आवाम बराह रास्त मुतासर भी होते हैं और फैसला भी बिलाखर आवाम को ही करना है। तो आज हमारी टीम फिर इसी मौजू को लेके आवाम के अदालत में आई है, आवाम के पास आई है। उनसे हम जानेंगे और बात करेंगे कि पनामा लीक्स की जो रेवलेशंस हैं, जो इंकशाफात हैं, वो किसी एक मुल्क या किसी एक मुल्क के लीडर के हवाले से तो है नहीं, 76 के करीब ममालिक हैं जिसके हवाले से सेलिब्रिटीज़ हों, सियासतदान हों, बड़े बिजनेसमैन हों, बिजनेस टाइकून्स हों, उनके हवाले से ये इंकशाफात, उनके ऑफशोर अकाउंट्स के हवाले से इंकशाफात हैं वो किए गए। इसकी जद में सबसे पहले पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली आती है, और भी बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन जो नाम इस वक्त सबसे आगे है, पर्दे पर है, वो मियां नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान, क्योंकि वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बात जो है वो ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। सियासी पार्टियाँ बिलखसूस पीटीआई एहतजाज की कॉल भी दे चुकी है, कुछ डिमांड्स भी सामने रखी हैं, वो तमाम चीज़ें, इस पूरी सूरत हाल को आवाम किस तरह देखती है, आज हम बात करेंगे। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, आम लोग मौजूद हैं, और ताजर बिरादरी जो है उसके कायदीन भी मौजूद हैं। क्यों हम जाते हैं ताजर बिरादरी के पास? क्योंकि कारोबारी तबका इस तरह के फैसलों से सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। तो सदर ऑल पाकिस्तान ताजर बिरादरी जनाब खालिद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। दीगर उहदेदारान भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये काम भी करते हैं उर्दू बाजार में, कोई सरकारी अहदा नहीं है, आम आवाम है। तो आम आवाम से जानेंगे कि वो इस पूरी सूरत हाल के बारे में क्या सोचते हैं। नाम और भी बहुत हैं, मियां नवाज शरीफ का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है, उनके ख़ानदान का नाम, और ये भी कहा जा रहा है उस पनामा लीक्स की उस रिपोर्ट के मुताबिक कि दौलत भी सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास है। बतौर आवाम जब आपकी ऐसी खबर सुनते हैं कि आपका लीडर जो है वो एक दौलत के अंबार रखता है मुल्क से बाहर, इसके बारे में उसने आपको पहले कभी बताया नहीं, अब कबूल कर रहा है जब एक रेवलेशन आई है, उससे पहले कभी बताया, तो क्या महसूस होता है बतौर आवाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा 24 का, क्योंकि इसने हमेशा अहम मसाइल पर आवाम से राय ली, और ये बड़ी खुशाइन बात है। चले कोई तो आया जो सही रास्ते पर है, और बड़ी मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी और आपके चैनल का भी। वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी बहस, बिल्कुल ठीक है। आज हमारे साथ वही हो रहा है, ये बड़े मजलूम आवाम है पाकिस्तान की, ये पिसे हुए आवाम है, ये आज आवाज़ आज उठी है, लेकिन पाकिस्तान का हर फर्द जानता है, पाकिस्तान का हर फर्द हर सियासतदान के बारे में जानता है, लेकिन मजबूर है। मजबूर क्यों है? कुछ मतलब कह नहीं सकता। आपके पास वोट की ताकत होती है। यहाँ नजरिया जरूरत के तहत ये मुल्क चल रहा है, जैसे आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, इसका कौन करेगा इंसाफ? ये इतने बड़े इंकशाफात हुए, इसको कौन सजा देगा? कौन पूछने वाला? इस मुल्क की अदलिया जो इसने नजरिया जरूरत के तहत इस मुल्क को बर्बाद कर दिया, वो देगी इंसाफ? उनसे इंसाफ मांग रहे हैं खान साहब, ये खान साहब की भूल है। ये इंसाफ, ये तो अल्लाह ताला की अदालत से इंसाफ लिया जा सकता? बंदा इसका बंदा बंदा कोई नहीं। यहाँ के जो इंसाफ करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये काम गलत है, लेकिन इसको नजरिया ज़रूरत के तहत छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा जुर्म ये है, ये गरीब लोगों का जुर्म ये है, ये असेंबलियों में बैठने वाले लोग आज इनको नज़र आया है। कौम को पहले से नज़र है, कौम सारी जानती है क्या हो रहा है इस मुल्क में, इस मुल्क के सियासतदान क्या कर रहे हैं। अगर आज ये दावत दे रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, पूरा मुल्क एहतजाज करेगा इस पर, तो ये नहीं होगा।
یہ نہیں ہوگا، احتجاج نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بالکل احتجاج نہیں، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی جنگ ہے، یہ لڑ رہے ہیں کبھی کس نام سے کبھی کس نام سے۔ کسی نے پرواہ کی کہ اس ملک کی تجارت کہاں جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ملک برباد ہو رہا ہے۔ یہ جہاں پر ایک روز نیا ٹیکس لگا دیا جاتا ہے غریب عوام پر، جن کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا۔ میاں صاحب کہتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں بہت اچھی جا رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ آئے میں آپ کے سامنے ہوں، کبھی کسی اسمبلی والے نے آواز نہیں اٹھائی کہ کوئی بھوکا مر گیا، کبھی کسی اسمبلی والے نے یا خان صاحب نے یا کسی اور نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، پاکستان کے کسی سیاستدان نے آواز نہیں۔ کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیاستدان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ مجبوری کے تحت آئے ہوئے ہیں، یہ نظریہ ضرورت کے تحت آئے ہیں۔ سیاستدان مر چکے ہیں، سیاستدان جو تھے وہ مر چکے ہیں، غیر سیاسی لوگ ہیں۔ گفتگو کو ایک نقطے میں نہیں رکھیں گے، کوشش کریں گے اس میں تمام چیزوں کا احاطہ ہم کریں۔ بیان کر رہا ہوں خالد صاحب، مجھے یہ بتائیں، میں پھر آپ کے پاس بھی آتا ہوں، سب گفتگو میں انگیج ہوں گے، کہ آپ نے تو سب پہ مایوسی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے، اور یہ کہا کہ اللہ کی عدالت میں ان کا انصاف ہوگا۔ یہ جب الیکشن کے دنوں میں آپ کی عدالت میں ووٹ مانگنے آتے ہیں آپ سے، تب آپ انصاف کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں بڑی اچھی آپ نے بات کی، ہم بڑے بے حس لوگ ہیں، وفات پرست لوگ، بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم اپنے پر ہونے والے ظلم کو بھی بھول جاتے ہیں، زیادتی کو بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ جو اس پوری قوم پر، اس ملک کی تجارت، اس ملک کا سب کچھ برباد کر دیا اس ود ہولڈنگ ٹیکس نے، اس پر یہ سائن کرنے والے ہیں خان صاحب، اس پر یہ سارے لوگ سائن کرنے والے ہیں، جتنے سیاستدان آج بات کر رہے ہیں احتجاج کی، انہوں نے اس کالے قانون پر سائن کیے ہوئے، دستخط کیے، اس کو پاس کیا، اسمبلی میں بیٹھ کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تاجر برادری بہت عرصے سے احتجاج کر رہی ہے، یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس پہ اب یہ خود فرما رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جو آج سڑک پر نکل کر ان کو بھی سڑک پہ آنے کی دعوت دے رہی ہیں، وہ اس پہ ایک طرفہ طور پہ اتفاق کر کے سائن کرنے والے ہیں۔ اچھا سر، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بہت سی چیزیں، بالکل آگے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ہم عدلیہ جو ہے، ایک تو فریش الیکشنز ہوں ان کی پرانی ڈیمانڈ ہے، پھر کہتے ہیں جناب چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بیٹھے، پاناما لیسٹ کے ہمارا آج کا موضوع ہے، اس کے بارے میں وہ پروو کرے۔ میں کہتا ہوں چیف جسٹس اگر نظریہ ضرورت کے تحت ان کو پھر معافی دے دیتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ عمران خان۔ آپ کو ٹرائی تو کرنا پڑے گا، عمران خان ہوگا۔ یہ بے شمار مثالیں پڑی ہیں کہ اس ملک کی عدالتوں نے ایسے فیصلے کیے جو ہم کسی کے فیصلے کو نہیں مانتے، ہم کسی کو ماننے کی، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ قوم کے گردن پر چھری رکھ کے نچوڑا گیا پیسہ ہے، یہ جس سیاستدان کا بھی ہے جس کا بھی ہے، وہ اس ملک پر لانا ہوگا۔ تو پھر آپ بطور عوام، آپ کچھ تو سوچا ہوگا نا، کچھ تو پلان ہوگا سر؟ کچھ نہیں ہے، بینک تباہ ہو گئے ہیں، کاروبار تباہ ہو گئے ہیں سارے، وہ جتنا ٹیکس لگا ہوا ہے، اتنا ٹیکس روزانہ بینکوں میں جاتا ہے، لوگ کوئی پیسہ نہیں جمع کراتا، آئے دن ڈکیتیاں ہوتی ہیں، پیسہ بینک میں نہیں جائے گا، وہ ہاتھ میں پکڑ کے۔ عدلیہ پہ اس طرح خالد صاحب فرما رہے ہیں کہ ماضی کو دیکھتے ہوئے آپ کل پہ مجھ پہ کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ لگا دیں، یہ عوام کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں اس طرح سے اعتبار نہیں ہے۔ اچھا، اپوزیشن جماعتیں، انہوں نے فرمایا کہ عوام کی یہی آواز ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں، اندر خانے سب ملے ہوئے ہیں، تو پھر کیا جائے؟ اب یہ جو ایک خاندان جس پہ الزام ہے کہ جناب آپ نے اربوں ڈالروں کی جو دولت ہے وہ باہر، آپ نے جواب دیتا ہوں کہ ان کو لانا ہوگا، اچھا ان سے بات کرنی ہوگی جو اس ملک میں حکمرانوں کو لے کر آتے ہیں۔ جناب دیکھیں، حکومتیں بڑی طاقتوں کی مرضی سے آتی ہیں اور ان کی مرضی سے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے سلسلے وہاں سے چلتے ہیں، ہم ان کے آگے ہی کہہ سکتے ہیں، وہی مائی باپ ہیں، وہی ان کو پکڑ سکتے ہیں، وہی ان کو لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں، آپ سوچیں، اس ملک کی عدالت، اس ملک کے انصاف کرنے والے، اس ملک کے فیصلے کرنے والے یہ کوئی فیصلہ کریں گے، اس ملک کے سیاستدان، اس ملک کے علماء کوئی اس میں کرے گا؟ یہ بالکل بے جان ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، یہ اس ملک کے وارث ہیں، یہ وطن ان کا ہے، ان کا جینا بھی یہاں ہے، مرنا بھی یہاں ہے، اس لیے یہ دکھ سے بات کر رہے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں انہوں نے کہاں جانا ہے۔
अगर ये कोई कहता है कि हमारे खिलाफ साजिश है, तो भैया पनामा के अंदर एक लॉ फर्म है, उसके कागज चोरी हुए, 76 ममालिक के सेलिब्रिटीज हो, सियासतदान हो, उनके खिलाफ ये पेपर आया। तो कोई अगर ये कहे कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है या फिर इनके खिलाफ, तो गलत होगा। ये आप ये बताएं कि जो लीक्स हुई है, जिसने लीक्स की है, ये कितना पुराना किस्सा है, ये किस्सा कितना पुराना है, ये रिसेंटली का किस्सा तो नहीं है ना है। अगर रिसेंटली का किस्सा हो तो ये हम कह सकते हैं, लेकिन ये मसला ये है कि जब ये विकीलीक्स हुई थी तो उसमें क्या बना, कुछ भी नहीं बना। और ये पनामा में कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, मैं 100 मरतबा कहता हूँ। आइसलैंड में उसके साबुत हुए ना, उसके साबुत हुए थे, एक बात मैं अर्ज कर दूं, फिर सर ये बड़ी गुफ्तगू दिलचस्प हो रही है। नाज़रीन देखें, इसमें लीगैलिटी या नॉन लीगल, जायज नाजायज का मसला नहीं है। आपकी दौलत मुल्क से बाहर है, कई ममालिक ऐसे हैं जहां पे ये लीगल है, अमेरिका में लीगल है, आप अपनी बात दौलत रख सकते हैं और कोई मसला नहीं है। ये बात इखलाकियात की है, आप मैं हम सब अपनी दौलत को जायज तरीके से बाहर रख सकते हैं सर, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्यों, और अगर रखी हुई है तो छुपाया क्यों? बात सर इखलाकियात की है। ये बात कोई आप जो बात कर रहे हैं ना, ये नई बात नहीं है। इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि कहां से ये पूरी हिस्ट्री हमारे सियासतदानों की सबके सामने है, कहां से ये चले, कैसे बने, कैसे बनाया, हर शख्स को इस बात का इल्म है। ये जो पैसा बाहर जा रहा है, आज से शोर नहीं पड़ रहा, ये बहुत पुराना शोर पड़ रहा है और पुराना पड़ रहा है। और ये जो शोर मचा भी रहे हम डाल रहे हमारे मुल्क, आज अग्यार ने भी शोर डालना शुरू कर दिया। आज आज देखे, हम कंपैरिजन दूसरी दुनिया के साथ नहीं कर सकते। आप रिजाइन की बात कर रहे हैं कि उस मुल्क के वजीर आजम ने रिजाइन कर दिया, वो बड़े मुहिब वतन लोग हैं, वो कहते हैं अपने मुल्क पर आंचना है। यहाँ एक तमाशा, ये कैसा तमाशा लगा रखा है कि हक बात को जमाने से छुपा रखा है, अजब तमाशा सरेआम लगा रखा है। ये तमाशा लगा दिया पूरे पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, और आज हमारी कुवतें जो है खामोश बैठी हैं और तब तक नहीं आगे आएंगी जब तक इसका चीड़ फाड़ नहीं होगा, जब तक इस मुल्क की आवाम भूखे नहीं मरेंगे, जब तक इस मुल्क को पूरी तरह खोखला नहीं कर दिया जाएगा, इन्होंने पीछा नहीं छोड़ना। आप किसकी बात, यहाँ पर इंसाफ के बचाएगा, इंसाफ किसने लेना है, जिसने इंसाफ देना है उसकी बात करें कि इंसाफ किससे लेना है, इंसाफ कौन देगा, आप वो हमें बताएं कि जो इंसाफ देगा हम उसके आगे जा रहे हैं। आपको उसके आगे एक हफ्ता बोलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये लंडे की शर्ट लंडे की पैंट पहनी मैंने और सिक्योरिटी गार्ड हूँ बैंक में। अब मैं 25 दिन हो गए बच्चों की किताबों के लिए टेंशन ले रहा हूँ, कोई किताब नहीं यहाँ से मिली। जो कहते थे अभी गवर्नमेंट ने दी नहीं है, गवर्नमेंट ने दी क्या करें हम लोग, नौकरी छुट्टी करें, वो पैसे खाते हैं, पैसे ये खा के। छोटा भाई मेरा मजदूर है, 46 साल उसकी उम्र है माशाल्लाह, गवर्नमेंट फंड देती है, जब इनके एमपी एमएनए के पास जाओ जी वो फंड है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। वाल साहब मेरे फोर्थ गवर्नमेंट मुलाजम थे। अच्छा मुझे ना एक, मुझे आप लोग कारोबारी लोग हैं, मैं भी शौक मुझे चढ़ गया जी कारोबार करना है, ठीक है, मुझे कोई ऐसा कारोबार बताएं कि मैं जिला वतन हुआ, मेरा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, ठीक है, और उम्र में भी बड़ा छोटा था मैं, मतलब अभी के तो चलो हो गया 30-31 का, तब उम्र में भी छोटा था, तो पता नहीं मेरे पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी आई कि मैंने बिल्कुल लुट गया था, फिर अचानक से मैंने अरबों कमा लिए। ये कैसे कैसे हुआ सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप असेंबली के मेंबर तो नहीं बने, आप सियासतदान के बेटे बन जाए, सियासतदान के भाई बन जाए, सियासतदान के भतीजे बन जाए, तो आप करोड़पति हो जाएंगे। ये फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि आपने बेहतरीन एक नवाज की तरीक़े से जो कौम की नबज़ पे इसको समझने की कोशिश की है, ये वाकई काबिल स्ताइश है। दूसरी बात, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मौजूदा सूरत हाल को एक शेर में बयान करना चाहता हूँ कि धूप में जलने वालों आओ सोचें, इन राहों पे तो पेड़ उगाया जा सकता था, सारे रास्ते हमने रहबर की ही मानी, वरना सीधी राह पर आया जा सकता था। और दुख तो ये है कि हमें लूटा है उसने जिसकी खातर घर बार लुटाया जा सकता था। ये वाइट कॉलर क्राइम इसे कहा जाता है। आप कह रहे हैं कि कैसे इतनी जल्दी पैसे इन लोगों ने बनाए, यही इसहाक डालर साहब जो है
इसहाक डालर साहब के वालद साहब की इधर साइकिलों की दुकान होती थी लॉरी मटर। इसहाक डार साहब जो है उनके वालद साहब की यहाँ साइकिल मरम्मत की दुकान होती थी और ये मौजूदा वजीर आजम साहब की साथ वाली गली में बर्फ खाना होता था। कितने साइकिलों वाले कितने बर्फ खाने वाले हैं जो वजीर आजम की सीट पे या वजीर खजाना की सीट पे पहुंची है? तो भाई कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। जिस तरह इन्होंने फरमाया ये बात, ये जब ऐवान सदर में गाड़ियां भर भर के जाते थे तो वहां की ये सारी जाग, वो कहते हैं ना लाख मन भी दूध एक चमची जाग दी चाहिए, ये जाग लगी हुई है सारे बीच। वो आमर वो गया इस पे जिसका इताम इन्होंने लिया, मैं तो नाम लेना पसंद नहीं करता। अच्छा। उसका नाम लेने से रहमत का फरिश्ता भाग जाता है, तो इसलिए मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता जिसने इस मुल्क में तो पैसे की सियासत जिसने पैसे की सियासत हम आमर को दावत नहीं दे रहे। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को कह रहे हैं, हम अपने मुहिब्बे वतन हैं। आमिर जो है ना, आमिर ने जो कुछ किया अभी तक सब कुछ किया है। आप मुझे बताएं जितने भी जमहूरियाँ हैं इन्होंने क्या किया है? अपनी करप्शन की है, पैसा बैंकों में रखा है, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। और गलती सबसे बड़ी आवाम की है, क्यों मलती है? वही नवाज शरीफ है, वही शेर है, वही तीर है। आज बिलावल यहाँ जलसा करता है, लाखों आवाम इकट्ठी होगी, क्यों? सिर्फ दिखावे के लिए। और शेर को वोट देंगे क्यों? के शेर है। तमाशा देखने का भी बहुत शौक है, तमाशा देखने का। मैं वही कह रहा हूँ कि बेहिशी का आलम है, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, मुल्क के बेशुमार मसाइल हैं, किसी को कोई ध्यान नहीं है। गरीब बूढ़ा भूखा मर रहा है, एक वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खा रहा है, किसी को ये पता नहीं उसका पड़ोसी खा रहा है या नहीं खा रहा, सो रहा है। जवान बेटियां लोगों की घरों में बैठी हैं, ये जुल्म हो रहा है और इस सारे जालिम यही एक वक्फा नाज़रीन में लेना है। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, कंटिन्यू रखेंगे, वक्फा लेते हैं मुख्तसर सा। मैं हमेशा इस तरह के शो को ना दिन न जाने क्यों इंजॉय करता हूँ, क्योंकि आवाम जो है इनका ना कोई सियासी स्टेक होता है ना कोई जाती स्टेक होता है। जो इनके मुंह से बात निकलती है सच्ची और खरी निकलती है, साफ सुथरी निकलती है। तो इनसे बात करके मैं खुद अपने इल्म में इजाफा करता हूँ। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है यहाँ पे ताजर बिरादरी के जो अहदेदारान हैं और साथ साथ जो आवाम है हमारी उनके साथ। बातें बहुत तल्ख हो रही हैं और बल्कि मैं कहूँगा कि खरी खरी हो रही हैं, साफ और सच्ची हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ जिसकी कमी है और मैं महसूस करता हूँ कि शायद उसमें भी कसूर हुक्मरानों का ही है कि आवाम कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं देख रहे। जब मेरा बार बार ये सवाल है कि इसका अब हल क्या होगा, किस पे किसके कंधे पे जो है वो सर रखा जाए, किसको अपना दुख सुनाया जाए, तो अब तक कुछ सूरत नजर नहीं आ रही है। यही बात मैं खालिद साहब से पूछता हूँ या दीगर लोगों से भी। खालिद साहब, फिर देखिए ना, हर तरफ क्योस है, हर तरफ आपको लग रहा है कि जनाब लूट मार चल रही है, तो अल्लाह आदिल है, अगर शैतान है नजर नहीं आता, गुमराह करता है, दिल में वसवसा डालता है, तो अल्लाह का कोई ऐसा मसीहा भी तो होगा ना जो अगर गायब भी है तो कम से कम वो हिदायत देगा या रहनुमाई करेगा, तो कोई कुछ नजर आ रहा है आपको? यही तो कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम इस उम्मीद से हैं कि कोई ऐसा हुक्मरान आएगा जिसके सीने में इस मुल्क के लिए मोहब्बत हो, वो हम लाएंगे, ये वो आएगा, आएगा कि हम मेरा ईमान है, मैं मुसलमान हूँ और मेरा ईमान है कि वो जरूर आएगा। अभी कोई है? दिल से कह रहा हूँ, वसी जमाना भी है, दिल से कह रहा हूँ कि वो आएगा और वो आएगा और वो फरिश्ता आएगा और सारे निज़ाम को दुरुस्त करेगा। अगर आप कहें कि जो निज़ाम लेकर चल रहे हैं, जो निज़ाम चल रहा है, देखिए इस मुल्क में कोई सिस्टम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई निज़ाम नहीं है। बदाहत तो है, अमली तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ एक अगर इस मुल्क में कानून होता तो आज कोई भूखा ना मरता, अगर इस मुल्क में कोई निज़ाम होता तो आज हर गरीब पेट भर के रोटी खा सकते, अगर इस मुल्क में निज़ाम होता तो ये अंधे एहतजाज ना करते। तो फिर ज़माना भी नज़र आ रहा है आपको, ऐसा शख्स, ऐसा शख्स आएगा? अभी आएगा, अभी आवाम है के नहीं, बज़ाहिर नहीं है, ठीक है, लेकिन आवाम के अंदर से ही आएगा। और ऐसे वो कहते हैं ना कि ये कुदरत की जब देन होगी तो वो मसीहा भेजेगा और वो
इन सारे मामलात को दुरुस्त करेगा। पहले हमें खुद को बदलना होगा ना, फिर वो काम कैसे, उसके लिए हर फर्द हालत के बदलने का, उसके लिए हर फर्द को बदलना होगा, उसके लिए हर शख्स को। अच्छा एक और सवाल, ये मेरा आपसे बल्कि आप, मैं बाकी को भी सबको एंगेज करता हूँ इसमें, सबको आजमा लिया, इमरान खान को नहीं आजमाया। आपको ये ना समझे कि मैं यहाँ पे इमरान खान की वकालत कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं इसका जवाब मैं दूंगा आपको। इमरान खान बेसिकली सियासतदान नहीं है। अगर वो सियासतदान होते तो आज इस मुल्क की तकदीर बदल गई होती। जितना बड़ा चांस उन्हें मिला, जितना बड़ा चांस उन्हें मिला, वोट नहीं उनकी, मिला उनकी बात पे, वोट बात नहीं, मिला। नहीं है वोट नहीं है वोट बहुत वोट मिला लोटे ज्यादा आ गए इमरान खान। हाँ जी, तबक्को से ज्यादा वोट मिला उसको, लेकिन बात उनकी बात में वजन नहीं है, उनकी बात पे लोगों को इतमाद नहीं है, लोगों को यकीन नहीं है उनकी बात पर। यही वजह है उनकी नाकामी की। फिर वही लोग हैं जिनको किसी पार्टी में जगह नहीं मिली वो वहाँ चले गए, जिनको किसी जगह पर कोई ठिकाना नहीं मिला, जिसको गुरु ने भी कबूल नहीं किया वो लोग उसमें बैठे हैं और वहाँ नाइंसाफियाँ हो रही। अच्छा, दो और सवाल होंगे सियासत से रिलेटेड मैं आपसे करूँगा। आप मुझे बताएं भाई, इमरान खान पे या इस तरह से वो कह रहे हैं कि 24 मार्च तक अगर डेडलाइन पूरी नहीं होती तो उसके बाद जो है हम धरना देंगे रायवंड पे, आप क्या बताओ? मेरे भाई कुछ भी नहीं होगा ना, क्या होगा इसे ताजरों के लिए क्या किया है भी दौली टेस्ट कुछ बोला ही है? ताजर छोड़े, आवाम की बात करें, तो कुछ भी बताओ आवाम। यार ये अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं ये सारे लोग, इसके लोगों के बाहर पैसे नहीं होंगे? ये तमाम जो पार्लियामेंटेरियन है ये सबके बच्चों के, इन लोगों के पैसे बाहर है, आपके मेरे तो नहीं है पैसे बाहर, इन लोगों के ही है। इमरान खान आए ना धरना दे ना टेस्ट के खिलाफ, वो रायवंड जा रहा है अपने मकसद के लिए, टेस्ट के खिलाफ क्यों नहीं धरना दे रहा? आवाम के लिए ये लोग वो है, मेरी बात सुने, ये लोग वो है, ये आवाम के खैर खा नहीं हो सकते। इन्होंने वहाँ बैठ के असम्बली के अंदर इस कानून पर दस्तखत किए हैं, ये लोगों के गरीबों के गला काटा है इन्होंने। ये पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में मुझे एक मुल्क बता दे जहाँ ये बैंकों पर लेने पर भी और देने पर भी टैक्स हो, पूरी कायनात में कोई एक बताए। सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। आप लोग बात करते हैं कि इमरान खान ने मुल्क के लिए क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि एक वाहिद लीडर है, पॉलिटिकल लीडर, जिसके ऊपर अभी तक करप्शन का कोई एक सिंगल चार्ज एलिगेशन नहीं है, ठीक है? आप उसको ब्लेम करते हैं शौकत आनम के ऊपर कि डैड ही हैज़ बीन डूइंग करप्शन ओवर इन हिज हॉस्पिटल। अगर आपको करप्शन का इल्ज़ाम मंजूर है लेकिन दूसरी तरफ आप हुकूमत जो साबित हो चुका है कि मियां साहब के जो बैंक बैलेंस हैं, जो सब कुछ है विदाउट गवर्नमेंट इन इन गवर्नमेंट, वो पहले से बहुत ज़्यादा राइज हो चुके हैं। आपको एक वो बंदा, उनके बेटे ने आके आपको एक वो बंदा मंजूर है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम हैं लेकिन साबित नहीं हुआ। सर साथ दूसरी बात सर, मुझे पाकिस्तान में तक बता दें, मुझे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से लेकर एक क्लर्क तक मुझे एक ऐसा शख्स बता दे इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो कहे कि मैं ठीक हूँ, जो कहे इमरान खान साहब पत्ते बांध के फिरते हैं, इंसान पैदल सारा दिन फिरते हैं, वो कितने ऐसे इशरत, इतने कहाँ से क्या बिजनेस है, क्या कारोबार है, क्या सारा है। सर इमरान खान साहब जो कुछ भी है अगर तो वो टैक्स पे करता है, अगर उस पर करप्शन का चार्ज नहीं, देन हाउ कुड यू से डेट ही इज नॉट राइट पर्सन? Can you do you have even a single guy na chart kisne lagana hai, kisne lagana hai? Government aapki hai sir, aap prove kare. In par bhi kisi ne kabhi nahi lagaya. Aap ye siyasat mein aap do mat hi kehte hain. Us tarah se corruption ke charges to nahi hai, main nahi baat. Acha ek baat, yahan pe ek point mera, uska jawab aap dono dijiyega. Ab aap pe lag rahe hain janab ki aapki offshore arbon rupaye ki companies aur aapka paisa wahan pe hai, theek hai? Uska jawab kya aata hai? मैं देखिए मुझे मायूसी हुई, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ और ये बिल्कुल कोई मैं समझे कि मैं इमरान खान की तरफदारी कर रहा हूँ, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। जवाब क्या आता है जनाब? शौकत खानम के पैसे जो है वो कहाँ गए? और दूसरी बात ये कि इमरान खान की कितनी बेटियाँ हैं? इमरान खान की दो बेटियाँ हैं, तीसरी बेटी कहाँ से आई? क्या इसके जवाब आपके ये सर अच्छा नहीं लगता ना? बात करप्शन की हो रही है, आप जातियात पर आ गए। मैं परवेज रशीद साहब की बात कर रहा हूँ, बता दे आप एक इस मुल्क का सियासतदान बता दे जिस पर करप्शन का इल्जाम ना हो। एक था, एक शख्स था जिस पर इल्जाम नहीं था, ना आज तक कोई लगा सका है, उसको हमने फांसी दे दी, उसको हमने लटका दिया। किसी भाई कोई नहीं छोड़ता, क्या हो गया?
किसी को एक रुपया का भी मिलता ना वो भी नहीं छोड़ता। क्या किया जाए? ये खुद पहले खुद को बदले ना, ठीक है? हुक्मरान तब सख्त आता जब वहां पर जाने वाले आप ऐसे भी नाल शामिल है सारे, ऐसे भी शामिल ही होना। एक बंदे जिस पे इल्जाम लगा है, मैं खड़े खड़े माजरत, बिल्कुल खालिद साहब माजरत के साथ, अगर मैं इधर खड़े खड़े आप पे कोई इल्जाम लगा दूं, इंकशाफ इमरान खान ने नहीं किया या मैंने नहीं किया? एक बहुत बड़ी वेबसाइट है पनामा लीक्स ने इंकशाफ किया सर, इमरान खान ने ये इंकशाफ नहीं किया, आप पनामा लीक्स ने किया कहा है सर, वही ना इमरान खान ही कह रहा। तो वो बंदे खुद मानते हैं सर, रिपोर्ट आई है पूरी दुनिया में, रिपोर्ट आई है उसमें 70 ममालिक है। खैर ये बहुत बहस और तरफ निकल गई, इमरान खान सच्चा या मियां साहब, लेकिन ये रेवलेशन भी हुई थी, पनामा लीक्स होगी, अब एक और लीक आ जाएगी, फिर एक बंदा आपको रेवोल्यूशन के लिए बुलाता है कि आए अगर करप्शन के खिलाफ चलते हैं, कम से कम कोई एक खड़ा तो है ना सर, आप में से कोई एक खड़ा हुआ सर? आप मुझे एक बात कहें, फर्स्ट ऑफ ऑल सब चोर लुटेरे सब डाकू, आप उन पर तवक्को एक नया दाव लगा दे, आप इस मुल्क को दाव में हम लेकर आ रहे हैं, यानी ये लोग लूटते हैं। यहाँ पे एक चीज, यहाँ मुझे एक चीज, यहाँ मुझे एक चीज नजर आ रही है, यहाँ मुझे एक 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 इसको गुफ्तगू को यहाँ पे हम समेटेंगे, एक जनरेशन गैप भी नजर आ रहा है कि नौजवान जो है वो हमें इमरान खान को सपोर्ट करता नजर आ रहा है, और जो हमारे एल्डर्स हैं वो एक और तरह का चेंज चाहते हैं। मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूं? मैं अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हर आदमी चाहिए, हर मुहिब्बे वतन आदमी को सपोर्ट करता हूं, मेरा हर एक के साथ है, पर निकले किसके कहने पर निकले जिसके साथ सारे चोर बैठे। सर किसी एक को तो बारिश का पहला कतरा बनना पड़ेगा ना, ये गुफ्तगू जो है जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानियां दी हैं, अयूब खान के खिलाफ जुलूस निकाला, जियाउल हक के खिलाफ जुलूस निकाला, हम पे सब के गद्दारी के बगावत के मुल्क दुश्मनी के मुकदमे बने, ये अपना जिस वक्त जमहूरियत के लिए बहाली के लिए अपना जुलूस निकाला, तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने हम उनके भी लिए कोशिश कर रहे थे, भी बड़े उस वक्त कर रहे थे, वो क्या कर गए? उन्होंने तवक्को की इफ्तिखार चौधरी की मिसाल पूरी पाकिस्तान की आवाम के सामने, दुनिया के सामने उन्होंने हमें लोग निकले थे, हम इसलिए नहीं इफ्तिखार चौधरी के लिए नहीं, उसने एक नारा ऐसा लगाया था, हक मिलेगा सबको, इंसाफ मिलेगा सबको, यही नारा लगा कर वो लोगों को बेवकूफ बनाया, और उसने अपने 3-4 साल कुछ भी नहीं किया इस मुल्क को बर्बाद, एक इत्माद था, हम कहते थे कि अदलिया ना काम रहा हो, किसी के नारे में बाहर नहीं निकलेंगे, किसी के नारे पर नहीं, हम किसी के नारे पर नहीं, जो निकलना चाहता है उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम किसी सियासतदान के नारे में नहीं, ठीक है, एक एक नाज़रीन मिला जुला रद्द अमल है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे जो वो लोग वो बुजुर्ग, मैं सर इसको जरा जो 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 हमारे यहाँ पे एल्डर्स हैं या जो हमारे मस्जिद शहरी हैं उनमें नौजवानों की ये राय है कि हाँ ऐसा शख्स जो तब्दीली का नारा लगा रहा है उसको एक दफ़ा चांस ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उस तक उस तरह से करप्शन के चार्जेस नहीं हैं। दूसरा तबका जो है स्कूल ऑफ थॉट वो ये कहता है कि जनाब तमाम के तमाम इस हवाम में नंगे हैं, किसी पर हम भरोसा नहीं कर सकते, ना ही किसी की कॉल पर हम बाहर निकलेंगे। ये चीज़ थोड़ी ख़तरनाक है, ये चीज़ थोड़ी अलार्मिंग है कि आखिर कुछ तो अरबाब इख्तियार ने ऐसा किया है कि आवाम इस हद तक मायूस हो चुके हैं, लेकिन मायूस हमें होना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, अब इस मुल्क को अगर इतनी मुश्किल से हासिल किया है ऐसे जाने तो नहीं दे सकते, तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। और एक बात यहाँ पे कहीं से किसी ने आवाज़ निकाली थी लगाई थी कि किसी एक को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, तो और वो आएगा नहीं सर, मैं ये बात बबांगे दोहल कह रहा हूँ, आसमान से कोई नहीं उतरेगा, वो हम में से ही किसी को निकालना पड़ेगा अपने अंदर का कोई अच्छा इंसान, ताकि वो आगे चल के रहनुमाई हमारी कर सके, एक लीडर बन सके। तो मैं तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की, और इस प्रोग्राम में नाज़रीन हमने कोशिश यही की कि अवाम का जो रद्द अमल है पनामा लीक्स में जो इंकशाफात हुए, ख़ास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली पर जो इल्ज़ाम लगे हैं उस हवाले से अवाम का जो रद्द अमल था बग़ैर किसी एडिट के नाज़रीन, बग़ैर किसी कैंची लगाए ये प्रोग्राम हमने आप तक पहुँचाया। जी नाज़रीन हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ अवामी हलकों से आज के इस मौजू के हवाले से बात करें, पनामा लीक्स में जो इंकशाफात किए गए और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब उनके ख़ानदान के कारोबार के हवाले से जो ऑफशोर कंपनी है उसके हवाले से अवाम किस तरह उसको देखते हैं, जायज़ ना जायज़ ये भी एक बहस है, और इखलाकी तौर पर क्या ये ठीक है या नहीं ये भी एक बहस है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म उसका पैसा मुल्क में कम और मुल्क से बाहर क्या ज़्यादा होना चाहिए, मैं जायज़ ना जायज़ में नहीं पढ़ता, लीगल है कि नॉन लीगल है, आप समझते हैं जो बहस आजकल जारी कि इखलाकी तौर पे ठीक नहीं है, दुरुस्त है? हाँ नहीं, बाहर नहीं होना चाहिए, जहाँ से हमें हर चीज़ मिली है इस मुल्क ने, पाकिस्तान में हमें हर चीज़ दी है,
तो हमारा जो भी मुनाफा या जो भी प्रॉपर्टीज या जो भी हमारा यहाँ पाकिस्तान में होना चाहिए। यहाँ मैं एक चीज तस्वीर करता चलूँ आप देखें, दुनिया भर में मुस्लिम ममालिक में लोग अपना कारोबार मुल्क में भी रखते हैं, मुल्क से बाहर भी रखते हैं, ऐसा होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मुल्क से बाहर ले जाना पैसा या कहीं पर इन्वेस्ट करना गलत नहीं है। जो मुद्दा है वो दो है कि अव्वल तो आपका पैसा इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ से वहाँ गया कैसे, उसका सबूत दें। और आपके मेरे की बात नहीं हो रही सर, आप मैं ये सब रख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर, सरकारी ओहदा रखने वाला शख्स, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाला शख्स अपने मफादात मुल्क से बाहर रख सकता है, ये है। आपके शायद क्या पता आपकी दुकान एक दुबई में भी हो, कोई गलत नहीं हुआ उसमें, अगर आप जायज तरीके से लेकर गए। प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, क्या उसे ऐसा करना चाहिए? नहीं, पहले तो ये देखना चाहिए ना कि जो हम जो भी बहस कर रहे हैं, हाँ। क्या ये अभी तक कोई प्रूफ हो चुका है? तो प्रूफ हुआ अभी तक? ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये देखें, हमें बहस बुराए बहस नहीं करनी चाहिए, जैसे इमरान खान साहब लगे हुए हैं कि रोजाना कोई ना कोई इशू उठा के, हमें वो नहीं देखना, हमें ये देखना है कि क्या ये प्रूफ हो चुका है। अगर प्रूफ हो चुका है, खुद प्रोग्राम्स में आके कह चुके हैं कि हाँ हमने कंपनियां जो है बाहर वो बनाई, वो लेकर गए, मुद्दा वही ये देखे ना, ये प्रूफ तो शुरू से ही बाहर है ना, देख रहा कितनी उम्र बाहर किया हुआ है। अगर उसने मेहनत की है, कमाई की है, वहाँ प्रॉफिट लिया, अपना बिजनेस किया है, तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन वो पाकिस्तान में भी आते हैं, अपना पैसा पाकिस्तान में भी लेके आते हैं, इस तरह लेके जाते हैं। अगर जायज तरीके से लेके गए तो फिर तो अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। अगर नाजायज तरीके से लेके गए तो फिर इनसे कुछ खींच होनी चाहिए। बहस यही हो रही है बेसिकली, और नून लीग और खास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान का मौकफ भी यही है कि जो पैसा है वो हुसैन नवाज या हसन नवाज का है, वो खुद पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं करते, वो उनके बेटे हैं। मियाँ साहब की वो चीज़ें नहीं है, ये ऑफशोर कंपनियां मियाँ नवाज शरीफ साहब की नहीं है। तो लिहाजा अगर कोई ये कहे कि इनका पैसा बाहर क्यों है, तो वो टेक्निकली जो है वो गलत होगा। लेकिन इखलाकी हवाले से नाजरीन इस तरह की चीज़ों पर कई सवालात उठते हैं। इमरान खान साहब का ये मुतालबा है जनाब के हाजिर सर्विस जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सरबराही में कमीशन बने, अगर नहीं बनता या हुकूमत 24 अप्रैल की डेडलाइन मीट नहीं करती या उससे पहले नहीं बनाती, तो वो रायमंड पर जाकर धरना देंगे। ये मुतालबा कैसा, किस तरह देखते हैं उसको? ये धरने से तो कारोबार पे वैसे ही बहुत पहले बुरे असरात पड़े हैं। अच्छा, धरनों में हमेशा हम ताजरों का खिलाफ ही हुआ है और हमारे लिए गलत ही हुआ है, धरना इसका हल नहीं है पॉसिबल। हाँ, इसको अगर सही तरीकाकार से अगर इसका मामला किया जाए कि जी अगर वो वाकई इसको समझे में उठाएं, इमरान खान को हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि खान साहब हम आपके हाथ जोड़ते हैं, जैसा कि हमने पहले धरना दे के हमारे धरने कर दिए, हमारे कारोबार ठप कर दिए, 3 महीने तक हम बिल्कुल किसी के चेक क्लियर नहीं हुए, हमारी पार्टियों को तमाम पार्टी डिफॉल्टर हो गई, खुदारा ऐसा कोई काम ना कीजिएगा। आपको जो कुछ करना है आप समनियों में कीजिए, वहाँ लड़े आपस में, जो मर्जी करें, एक दूसरे से बहस करें, उनके खिलाफ तहरीक लाएं, लेकिन असेंबली में करें। भाई आपने आपको वोट दिया इसलिए कि आप असेंबली में जाके कानूनी बहस भी करें और जो है वो मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला भी करें। तो आप समझते हैं कि धरना इसका हल नहीं है? धरना इसका प्रॉपर हल बिल्कुल भी नहीं है। कौन दे रहे हैं ना, आप सबके लिए सवाल है कि जनाब हम 24 अप्रैल को मार्च करेंगे, अगर डेडलाइन पूरी नहीं होती 24 अप्रैल को मार्च करेंगे, रायमंड पे धरना देंगे, घेराव करेंगे, तो क्या मतलब आपको लगता है कि ये इससे कुछ फायदा होगा? प्रेशर ही है, धरना करेंगे नहीं, वो नहीं करेंगे, पहले तो गया था उन्होंने। अगर हुकूमत प्रेशर नहीं बनाएंगे तो वो अपना कैसे इंसान बनेंगे? फिलहाल तो प्रेशर देना भी बनता है ना हुकूमत पे। क्या मतलब किसको इंसान बनाने के लिए कर रहे हैं? देखो अगर सरमाया सारा मुल्क से बाहर जा रहा है तो यहाँ जो बेरोजगारी है, कहाँ उनका सरमाया? अगर वो हमारे वो बादशाह है वक्त के, प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम है, उनको आवाम का ख्याल नहीं होगा तो किन को आवाम का ख्याल होगा? ठीक है, वो अपना सरमाया बाहर लेके जा रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि सरमाया पाकिस्तान में लेके आओ। यही बात है ना, इसमें जो इन सामने बात की वो यही बात है कि टेक्निकल बेसिस पे आप जो है इस बहस में मत पड़े। इखलाकी जवाब ये है कि अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर उसके खानदान वालों का 80% इन्वेस्टमेंट पैसा मुल्क से बाहर है, तो वो किसी को कैसे कायल कर सकते हैं कि जनाब हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो क्योंकि यहाँ पर माहौल सेफ है? तो भैया पहले तो आप अपना पैसा लेकर आओ जो अरबों डॉलर में बनता है। तो मुझे ये बताएं कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब की कॉल पर आपको यकीन नहीं है? अच्छा, मियाँ साहब जो खुद जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, जजेस खुद नहीं बना रहे रिटायर्ड के, जनाब हम उसमें उसका हिस्सा बनेंगे, तो क्या होना क्या चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह होनी चाहिए? हमारा आवाम का यही मुतालबा है कि वो अपना पैसा बाहर से यहाँ लेके आए, चाहे वजीर आजम यही रहे, ठीक है, पर अपना सरमाया यहाँ लेके आए, ठीक है, और अपना सरमाया यहाँ लेके आए और आवाम की खातर कुछ सोचे। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं,
हालात सही नहीं गुजरते, जिस तरह हमारे हालात गुजर रहे हैं हमें पता है। सर यही हल रहेगा इसका? नहीं, हल शादी एक कुर्बानी देनी चाहिए अपने मुल्क के लिए। वैसे काफ़ी ज़्यादा मामला बेहतर हो रहे हैं। आप पिछली गवर्नमेंट देखें, जरदारी गवर्नमेंट में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई अपोजिशन नहीं थी उस टाइम। फ्रेंडली अपोजिशन थी, नवाज शरीफ साहब ने किरदार अदा किया। अब इमरान खान अगर अच्छी अपोजिशन कर रहा है, लेकिन उसको एक हद तक करना चाहिए। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मुल्क को दिफालिया कर दे, अच्छी तरह करे, एक जगह रख ले जहाँ पे किसी को नुकसान ना हो। मसलन रायवन का रास्ता बंद होने से पूरा लाहौर बंद हो जाता है, उधर से बहुत दुनिया आती है, बिजनेस हमारे आउट ऑफ सिटी के लोग उस रास्ते से आते हैं। और ये इन चीज़ों का ख्याल रख के मुल्क के लिए करना चाहिए, ना कि अपने ज़ाती मफाद के लिए करना चाहिए। इमरान खान सर जो कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, धरने की कॉल दी है उन्होंने, रायवन का घिराव भी करेंगे, जो इस तरह की बातें उन्होंने की हैं, या फ्रेश इलेक्शन का मुतालबा किया है, ये जो पनामा लीक्स में इंकशाफात हुए हैं, इनकी तहकीकात का एक तरीका रह गया, जमान पार्क भी है और बनी गाजा भी है, वहाँ करें वो? हाँ, नहीं नहीं, वो रायवन उसके भी बात करते हैं ना। हाँ, तो जमान पार्क भी है, बनी गाला भी है, रायवन जितना है रो, नहीं उसकी उसकी बात ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उधर हमने जाना है, तो वो उधर उधर भी रास्ते खुले हैं, उधर भी हम जा सकते हैं। अगर वो उधर लोग जाएंगे तो लोग उधर भी जाने के भी होंगे। तो ये तो लोग उधर भी जाएंगे। वहाँ पे क्या हुआ जी? इमरान खान ने क्या किया? इमरान ने किस लिए? इमरान खान ने बेड़ा गलत कर दिया मतलब। उसकी कोशिश है, उसकी कोशिश है कि ये जो तरक्की हुई है रुक जाए किसी तरीके से। जैसे जैसे चाइना में किया उसने, जो लास्ट टाइम जो चाइना आ रहा था उसके लिए सारे मैदे रुके थे। अब उसकी ये कोशिश है जैसे आप ये किसी जगह स्टेज पे पहुंच गए चीज, इसको किसी तरह रुक जाए, क्योंकि ये एजेंडा है, यहूदियों का एजेंडा है, वो उनके पीछे हैं। किसका एजेंडा है? यहूदियों का एजेंडा है ना, है। ये जो तरक्की पाकिस्तान में ये नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो एजेंडा वो उन्होंने इमरान खान को किया हुआ है, वो बच्चों की बात करता है, उसके बच्चे कहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसके बच्चे पाकिस्तान में स्टडी करते हैं ना जी? वो तो माँ के साथ होते हैं, माँ के बाहर रहते हैं। कहाँ स्टडी करते हैं? कहाँ स्टडी करते हैं? जमैमा के बच्चे हैं ना, जमैमा के बच्चे हैं। अच्छा, इमरान के नहीं है? इमरान के भी हैं। अच्छा, इमरान के। तो बच्चे माँ के साथ रहना चाहते हैं? हाँ, बाप के साथ नहीं रहना चाहते। उनकी मर्जी, बच्चों की मर्जी। तो बात सही है, और एजुकेशन भी वहीं पे होनी चाहिए पाकिस्तान में। बच्चों की मर्जी ना, उसका इतना नहीं है। बच्चे आप तो जमाने के बच्चे हो गए ना, जमाने के बच्चे हो गए। अब इमरान को जाना है, अगर उसके पास जाना है और स्टडी भी वहीं पे करनी है। जबरदस्ती नवाज शरीफ जबरदस्ती ले अपने बच्चों को? सर मैं अर्ज कर रहा हूँ, नवाज शरीफ जबरदस्ती ले नहीं, नहीं वो कोई बच्चे नहीं रहे, उनको सब पता है। इमरान खान जो करना चाहता है ना, देखे मेरी बात सुने, पाकिस्तान में अगर बेहतरी आ रही है ना, तो नून लीग की हुकूमत में आती है, इनके दौर में कभी नहीं आएगी। ये चाहते हैं, ये भी, ये पीटीआई, ये वो जो भी, आप देखे खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, कितने बुरे हालात है। जरा आइए, कोई इशू नहीं हो रहा। एक इशू जब छेड़ा है, ये वाला जो भी वीकली का जो हुआ है, सब इसके ऊपर पागल हो गए। जितने भी पीछे मामला खराब हो रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा, कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा। इमरान खान को वो चीज नजर नहीं आ रही, बराबर ने धरना देना क्या कर लेना है, सलामत करके क्या कर लिया, सलामाबाद धरना दे के उसने क्या कर लिया, कुछ कर लिया। आवाम के नुकसान हुआ ना, आवाम को उस तरफ ले जाए, कभी उधर नहीं जाए, कभी उधर नहीं जाए, उस तरह करा ना, उसको कुछ नहीं है। बात ये है, इनका मतलब कहने का ये है कि इतने जलजले आ रहे हैं वहाँ पे हैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे देखे क्या हालात जा रहे हैं। बस सुन लेना, इमरान खान की वजह से बेचारा क्या है, इमरान खान की वजह से जो आने तो आ गए, काफी कुछ आया इमरान खान की वजह से। वो क्या रह गया, क्या क्या एक शख्स को अभी तक आपने हुकूमत, एक बंदे को एक जगह की गवर्नमेंट दी है, एक बंदे को एक सूबे की गवर्नमेंट दी है, उसको अच्छी तरह चलाए, दिखाए, पेश करे अपने आप को। मॉडल बनाते ना, मॉडल ऐसे ऐसे चलता है सूबा, फिर पाकिस्तान में ऐसे लाके वहाँ पे बम धमाके खत्म नहीं हो रहे वहाँ पे, देखिए करप्शन है वहाँ पे, बहुत ज्यादा है, बिल्कुल है। मैं वैसे एक बात बताऊँ खान साहब, मैं केपी के काफी फिरा हूँ, और खासतौर पर जब ये हाल ही में एक जलजिला आया था, तो अभी ऐसे सिर्फ पिशावर को आप मॉडल बना के नहीं दिखा सकते कि जनाब ये देखे मैंने काम कर लिया। बहुत से केपी के इलाके ऐसे हैं, दूर दराज भी हैं, और पिशावर के आसपास के भी, जहाँ पे तरक्की नाम की नहीं हुई भी। तो ये मसाइल ऐसे हैं कि आपको पहले केपी को ज़रूर देखना होगा। मैं एक हद तक इन साहिबान की बात से एग्री करता हूँ। सर आखिर में वक्त हमारे पास भी कम है, हल क्या होगा? हल ये कि इनको 5 साल का टाइम देना चाहिए, देखना चाहिए क्या कितना गलत कर रहे थे। हमने जरदारी साहब उनको हमने 5 साल तंग होके जैसे भी बर्दाश्त करके टाइम दिया, लोड शेडिंग इंतहा तक पहुंच गई थी। अब हमें हरी कितनी कवर हो गई ना, अब लोड शेडिंग ब्राय नाम रह गई, और भी मामला हमारे बहुत कम हो गए। इनको 5 साल का टाइम देने, अगर ये गलत काम करेंगे तो खुद बहुत ही इनको वोट नहीं पड़ेंगे, और ये लाइट भी साइड भी हो जाएंगे। कहते हैं मियाँ साहब जहाँ जो साड़ी दीवारी है, उन्होंने दीवारी नहीं आनी,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਖੋਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਲਮਦੁੱਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਤਮਾਮ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਾ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੈਸੇ ਕਿ ਹਮਨੇ ਆਪਕੋ ਯੇ ਅਵਾਮੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਥਾ ਇਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇਨਸੇ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਉਨਕੀ ਬਾਤੇਂ ਆਪਨੇ ਸੁਣੀ
ہیں لیکن موجودہ حکومت پر عوام کو اعتبار بھی ہے. کچھ لوگ اور کچھ لوگوں کی باتیں تلخ تھیں, انہوں نے بالکل ہی اس بات کو رد کیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کچھ کر پائے گی, لہٰذا اس کو یا تو فریش الیکشن کروانے چاہیے یا پھر ایسی تحقیقات ہوں جو انتہائی غیر جانبدارانہ ہوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اور بول اپنے لیے اجازت, اللہ نے کے پاس.